चैनल सो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये जो है बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक होने वाला है। वैसे तो वीडियो का क्या टाइटल होगा वो मुझे भी अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, और मतलब मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रही हूँ बेसिकली। और आज एक्चुअली ना मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तो अगर बीच में आवाज़ थोड़ी ऐसे गला ख़राब टाइप भी है, वैसे तो मतलब मैंने दवाई ली है, मतलब इतनी भी बीमार नहीं हूँ, बट वैसे बता रही हूँ मैं, तो जस्ट इन केस। पता नहीं वेदर की वजह से या क्यों अचानक ही ठंड लगने लगती है, तो या तो ये जो लुक है बेसिकली आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे या आप अपनी स्पेशली जो रेड वाली ड्रेसेस है उनके साथ तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल मेकअप लुक ही रहेगा। एंड अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं कुछ न्यू प्रोडक्ट भी यूज़ करूँगी, कुछ तो क्या एक दो ही है शायद जो मैंने न्यू लिया है, तो हम फर्स्ट इंप्रेशन भी देखेंगे प्रोडक्ट का। एंड अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आई मेकअप से, और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की शेप माय ब्राउज 3 ब्राउज पाउडर प्लस 1 वैक्स क्रीम। सो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ आज। मतलब काफ़ी ना ऐसे लग्जूरियस वाइब दे रहा है, आई थिंक आपको रिंग लाइट भी दिख जाएगी इसमें, मतलब एकदम ऐसे शाइन कर रहा है। लाइक ओपन करेंगे एक मिरर मिल जाएगा आपको, और ये चारों आपके प्रोडक्ट्स। जब सेट करना हो आपको तो आप वैक्स यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी वैक्स है, मतलब गुड क्वालिटी की। मैंने पहले भी ट्राई किया था इसको, मतलब जब मेरी ना आदत है जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है ना मेरे पास, तो मुझे बस ऐसा होता है मैं उसे यूज़ करके देखूं। बट तो मैंने उसी टाइम ट्राई करके देखा था, मतलब सेम डे, और ये काफ़ी अच्छे से फिर मेरे पूरे दिन ये उस पर स्टे करा था, लाइक तो यहाँ मैंने अपनी फर्स्ट ब्राउ फिल कर ली है, और मैं दूसरी भी कर लेती हूँ फिल। सो मेरी सेकंड ब्राउ भी डन हो गई है, तो इसको ना मैं थोड़ा सा स्पूली से सेट कर। वैसे आप चाहें तो मतलब स्पूली में वैक्स लेकर और उसे यूज़ कर सकते हैं। मेकअप पे मूव करते हैं, तो सबसे पहले आई मेकअप ही करेंगे। तो मैं आज यूज़ करूँगी वैसे तो ये ग्लैम 21 की जो ये क्या बोलते हैं आई शेडो पैलेट है मेरे पास काफ़ी टाइम से, और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। शेड नंबर है इसका 02। और कंसीलर के लिए आज मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, आप देख लो। पूरे हाईलाइट पे कंसीलर अप्लाई कर लो। ब्लेंडर से ब्लेंडिंग तो बहुत अच्छी होती है वैसे। मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर ना वैसे ब्रश से लगाना पसंद है, स्पेशली जब मैंने अंदर फाउंडेशन वगैरह लगाया हो तब। अगर नहीं लगाया फाउंडेशन एंड ऑल तो कोई इशू नहीं है, तब मैं नॉर्मली इससे पॉप से भी लगा लेती हूँ। सो सबसे पहले मैं लूँगी एक लाइट शेड का ब्राउन कलर, ये वाला कलर ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा ऑरेंजिश और ब्राउन टोन में है, यू कैन सी। और इससे जो है मैं अपनी पूरी क्रीज लाइन पर कलर डिपॉजिट करूँगी। थोड़ा थोड़ा कलर जो लेकर है आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। तो ब्लेंडिंग जो है यहाँ पर एकदम अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ब्लेंडिंग से ही आपका आई मेकअप जो है ग्लो करता है। आई डोंट नो मुझे ब्राउन कलर थोड़ा पिंक वाला ये क्यों लग रहा है। सो अब मैं थोड़ा सा और डीपर ब्राउन कलर लूँगी ये वाला, और इसको मैं यहाँ प्लेस करूँगी, ठीक है, जो कट क्रीज वाली लाइन होती है ना बिटवीन, उसमें इधर हम लेंगे थोड़ा सा ब्राउन कलर अगेन, और उसे ब्लेंड करते हुए आउटर कॉर्नर से इनर की तरफ मूव करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब वो प्रिसाइज मतलब एक मतलब जो फोकस करते हुए आपको पूरी क्रीज लाइन को फोकस करते हुए ब्लेंडिंग करनी है। सेम दूसरी आईज पे भी करेंगे। अब हम एक और इससे भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेंगे, जो कि है इस वाली स्विस ब्यूटी वाली पैलेट में, और उसे हम सिर्फ यहाँ आउटर उसमें जो है प्लेस करेंगे पॉकेट में से ये वाला कलर लेकर हल्का सा, और यहाँ सिर्फ आउटर उस पर प्लेस करूँगी। बड़े ध्यान से करना है।
ये जो है अभी ऑलमोस्ट डन है, कम्प्लीटली डन नहीं है, तो बाकी का जो लेफ्ट ओवर मेकअप है वो भी कर लेते हैं हम। तो अब क्या करना है, आपको कोई भी ग्लिटर ले लेना है, सिल्वर कलर का, गोल्डन कलर का, जो भी आप चाहो। मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लिटर है नहीं, तो मैं इसमें से ये वाला हाइलाइटर लूँगी। और ये ना थोड़ा शैम्पेन सा कलर है, लाइक ये गोल्डन भी नहीं है और सिल्वर भी नहीं है, उसके बीच जो मिक्स सा कलर होता है ना वैसा सा है। तो एक फ्लैट ब्रश लूँगी और ट्राई करती हूँ कि फ्लैट ब्रश से ही लग जाए। दोनों आईज में कम्प्लीटली डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बहुत फर्क होता है यार। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ आज ब्लू हेवन का ये स्केच वाला आईलाइनर, और काफी इसकी जो ये टिप है ना बड़ी अच्छी। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है बेस में प्राइमर, और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन वाला प्राइमर, और अपना काम भी अच्छे से करता है। तो हमारा प्राइमर जो है सेट हो चुका है, और मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन फिटमी के जो सैम्पल वाले वो आते हैं ना, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मंगाया था, तो उसका शेड आई थिंक 115 है। तो वैसे मेरा मेबलिन में शेड 120 है, बट मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये भी मेरी स्किन टोन से मैच हो जाएगा। करेंगे कंसीलर की तरफ, और कंसीलर के लिए अगेन आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो आपके फेस के जो भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं आप वहां पे कंसीलर अप्लाई कर लो। बेस पूरा लॉक कर लिया, अब जो है लेफ्ट ओवर जो भी मेकअप बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा शुगर की फेस पैलेट, तो इससे मैं ब्रॉन्जर, हाइलाइटर और ब्लश तीनों ही अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले ब्लश ले लेते हैं, और इसका जो ब्लश है ना मुझे बहुत ऐसे लाइट लगता है, आई डोंट नो, मुझे इसका ब्लश इतना पसंद नहीं है, बट इतना मतलब काफ़ी लाइट लगता है मुझे। बहुत अच्छी ब्रॉन्जिंग हो जाती है। फिर आई पैलेट लेनी है आपको, उसमें से आपको ब्राउन कलर लेना है, तो मैं जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन था ना नीचे ये वाला कलर ले रही हूँ, और डस्ट ऑफ करके जो है पूरा सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई काजल। और काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कलोसल काजल, ये मेरा काफ़ी फेवरेट काजल है। तो या काजल के बिना देखा जाए तो कोई भी ब्राइडल लुक कंप्लीट नहीं होता इंडिया में। कई मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, आपको दिख सकता है एकदम ना लैशेज ऐसे कूलर कूलर सी हो जाती हैं। अब थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना है और लिपस्टिक, एंड वी आर डन। सो हाइलाइटर के लिए मैं यही शुगर की फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मतलब अगर आप देख रहे हैं कोई बजट कर रही, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक, मेरी पर्सनल फेवरेट इनसाइड कॉस्मेटिक्स की, शेड नंबर 02 रेड अलर्ट।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब. यार क्या कर रहे हो, मतलब 90% लोग मेरी वीडियोज देखते हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, मतलब क्या सीन है मुझे कुछ समझ नहीं आता. बट प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और आई होप यू लाइक दिस मेकअप लुक. और ये ना आप किसी भी पार्टी फंक्शन और ऐसे कुछ स्पेशल ओकेजन पे क्रिएट कर दो या तो. चलिए फिर मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट. सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय.